गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसा हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज कृपाली सेसांगी एंड वेलकम टू सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। बच्चों, अगले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको क्या करवाया था? अगले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सब्जेक्टिव की पेपर स्टाइल को एक्सप्लेन कर दिया था, राइट? तो आज मैं उसकी वर्कशीट आपको एक्सप्लेन करूंगी। वो है वर्कशीट आपको अपने होमवर्क में करनी होंगी, राइट? तो बच्चों, चलो अब हम वर्कशीट को शुरू करते हैं, राइट? तो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, राइट? उसमें क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको क्या करना है इसमें? इसमें क्वेश्चन आंसर दिए गए होंगे, राइट? यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन आंसर नजर आ रहे हैं, राइट? तो पहला दिया गया है कि फोकिया मोबाइल कंपनी की शुरुआत कहाँ होने वाली थी? फोकिया मोबाइल कंपनी की शुरुआत कहाँ होने वाली थी बच्चों? यस, फोकिया मोबाइल कंपनी की शुरुआत जंगल में होने वाली थी, राइट? फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, मीनू ने कौन से पो के बारे में बताया था? मीनू ने कौन से पो के बारे में बताया था बच्चों? मीनू ने पो से परिश्रम के बारे में बताया था, राइट? पापा ने पो से प्यार के बारे में बताया। फिर पप्पू ने पो से परोपकार के बारे में बताया। तो मीनू ने सोचा मैं क्यों चुप रहूं, तो मीनू ने पो से परिश्रम के बारे में बता दिया, राइट? याद आ गया आपको। उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य की रोशनी को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? ये वो क्वेश्चन है जो मोहित अपनी माँ से पूछता है कि सूर्य की रोशनी को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य की रोशनी को धरती पर पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है, राइट? तो सूर्य की रोशनी का समय आपको पता है कि धरती पर कितने मिनट में पहुंच जाती है? 8 मिनट में पहुंच जाती है, राइट? फिर चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि मालिक के बेटे का नाम क्या था? वो हाथ को सुधारो, वो चैप्टर है ना, उसमें ये क्वेश्चन आता है, राइट? तो मालिक के बेटे का नाम था रघुवीर, राइट? तो मालिक के बेटे का नाम आपको पता चल गया। फिर यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन दिया गया है कि मोहित ने पौधा कहाँ रखा था? तो मोहित ने पौधा कमरे में रखा था, राइट? जिसके कारण उसको सूर्य प्रकाश ना मिला और वो मुरझा गया, राइट बच्चों? तो ये क्वेश्चन आंसर है, आपको याद रखने हैं। फिर चैप्टर नंबर 8, जापान का पहनावा क्या है? जापान वाला चैप्टर है ना वो हमारा, राइट? उसी का क्वेश्चन है कि जापान का पहनावा क्या है। तो जापान का पहनावा किमोनास है, राइट? तो जापान का पहनावा आपको पता चल गया। आपको ये पूछा कि जापान की मुद्रा क्या है, तो आपको लिखना है कि जापान की मुद्रा येन है, राइट? तो बच्चों, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ लिखिए। आपको यहाँ पर क्या करना है निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ में? आपको इसमें विलोम शब्द के अर्थ लिखने हैं, राइट? यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिखा ही है, राइट, कि विलोम शब्द के अर्थ लिखिए। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है सूखा। सूखा मतलब के सूखू, सूखा तो गीला, गीला मतलब के भीनू, सूखा तो गीला। फिर धरती, धरती तो आसमान, ठंडा तो गरम, बंद तो खुला, राइट? तो यहाँ पर 2 मार्क्स में आपको कुल 4 विलोम शब्द पूछे जाएंगे, राइट? तो आपको चारों के चारों विलोम शब्द के आंसर सही सही लिखने होंगे। फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर 2B, उसमें दिया गया है समान अर्थ वाला शब्द लिखिए। तो समान अर्थ वाला शब्द लिखिए, उसमें क्या करना है? औरत तो स्त्री, सूरज तो दिवाकर, पृथ्वी तो धरती, पेड़ तो वृक्ष, राइट? तो इस प्रकार समान, बिल्कुल सेम टू सेम अर्थ जिसका होता हो वो वाला अर्थ आपको लिखना है, राइट? तो समान अर्थ वाला शब्द लिखिए, आपको आ गया। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2C, उसमें दिया गया है वर्ण जोड़कर लिखिए। वर्णों को जोड़ जोड़ कर लिखना है बच्चों, आपको क्या करना है? वर्णों को जोड़कर लिखना है, राइट? तो वर्णों को जोड़कर लिखना है, उसमें क्या करना है? वर्णों को जोड़कर लिखना है। पहला शब्द यहाँ पर आपको कौन सा दिया गया है? पप्पू, राइट? ये तो आपको पप्पू तो आपको लिखना है आंसर में,
एट यहाँ पर आपको अलग अलग व्यंजन दिए गए हैं। पहला प प्लस अ प्लस प, ये देखो प आता है इसलिए यहाँ पर प के पीछे अ नहीं लगाया गया है, राइट। तो प प्लस अ प्लस प प्लस प प्लस उ, मतलब के पप्पू, राइट। तो पप्पू वाड़ू तमने समझाई गयू, राइट। एमा शू करवानू होतो, प आखो छे एटले आपणे प प्लस अ लखेलू छे, पछी प अर्धो छे एटले प एक ज वार, पछी एनी पाछळ आपणे अ लगाडता नथी। पछी ઉ છે, રાઈટ, દીર્ઘાવાળું ઉ છે, તો આપણે શું કર્યું છે, પ લખી અને ઉની ઉનો સ્વર લખી નાખ્યો છે, રાઈટ। તો આવી રીતના પપ્પુ લખો। પછી બીજો શબ્દ આપણને આપેલો છે ક પ્લસ ઉ પ્લસ લ, લ અહીંયા જો લ પછી અ નથી, મતલબ કે લ અડધો છે, તો ક પ્લસ ઉ મતલબ કુ, લ અડધો મતલબ કે લ એક જ છે મતલબ કે લ અડધો। પછી હ પ્લસ આ મતલબ કે હા, અને ડ પ્લસ ઈ મતલબ કે કુલહાડી, રાઈટ। ડ પ્લસ ઈ મતલબ કે ડી, તો પૂરા શબ્દ કોણ સા બના, યસ કુલહાડી। આપકો એસે સમજ મેં ના આયે તો આપકો એક એક વર્ણ જોડકર લિખ લેના હૈ, રાઈટ। તો ઇસ પ્રકાર બનતા હૈ કુલહાડી। ફિર દિયા ગયા હૈ ક્વેશ્ચન નંબર 2D। तो क्वेश्चन नंबर 2D में क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 2D में आपको निम्नलिखित शब्द से वाक्य बनाए, आपको उसके 2 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको अलग अलग शब्द दिए गए होंगे, राइट। यहाँ पर दिए गए हैं शब्द वर्कशीट में स्वादिष्ट और परिश्रम। आपके पेपर में कोई भी शब्द पूछा जाए उस शब्द का प्रयोग कर कर वो आपके वाक्य में आना चाहिए। इस प्रकार आपको शब्द से वाक्य बनाने हैं, राइट। तो पहला दिए गए हैं स्वादिष्ट, तो उसके आंसर में लिखना है कि मेरी माँ बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाती है, राइट। तो मेरी माँ बहुत स्वादिष्ट, तो स्वादिष्ट वाक्य में आ गया, यस। तो उसी प्रकार आपको दूसरा सेंटेंस बनाना है परिश्रम का, तो परिश्रम से जुड़ा हुआ एक वाक्य बनाना है, उसमें परिश्रम ही पारसमणि है, राइट। तो पारसमणि वाला आपको वाक्य लिख देना है। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2E, उसमें दिया गया है कि दिए गए संकेत पढ़कर त्योहारों को पहचाने। ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, ये आपके वर्कबुक में दिया गया होगा, राइट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर संकेत अलग अलग प्रकार के दिए गए होंगे, राइट। तो पहला यहाँ पर दिया गया कि रंगों का त्यौहार, आप लोग सोचो कि रंगों का त्यौहार कौन सा है, यस होली जो अभी आने वाली है, तो वो रंगों का त्यौहार हुआ। फिर यहाँ पर दूसरा पूछा गया है कि रोशनी का त्यौहार, तो रोशनी का त्यौहार कौन सा है, हम लोग दिवाली में हमारे घर में दिए जलाते हैं, राइट। इसे इसके कारण अंधेरा मिट जाता है और जो आने वाला साल होता है वो हमारा रोशनी वाला मतलब कि बिल्कुल उजास वाला हो जाता है, मतलब कि ये रोशनी का त्यौहार है। तो दिवाली है वो रोशनी का त्यौहार हुआ, तो हमें दिवाली आंसर में लिखना है, राइट। तो दिए गए संकेत पढ़कर त्योहारों के नाम लिखना बहुत ही आसान है। यहाँ पर इन 2 त्योहार के अलावा मैं आपको पूछूं कि पतंगों का त्योहार, तो पतंगों का तो त्योहार कौन सा है बच्चों, उत्तरायण, राइट। तो दिए गए संकेत के आधार से आपको त्योहार के नाम लिखने हैं। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2F, उसमें दिया गया है कि द्वित्व व्यंजन से शब्द बनाइए। तो उसमें क्या करना है, द्वित्व व्यंजन से शब्द बनाइए। उसमें द्वित्व व्यंजन मतलब क्या, कोई भी एक व्यंजन हो उसके साथ एक वही व्यंजन हो वो आधा जुड़ा हुआ हो और एक पूरा हो, जैसे कि डबल क, डबल त, डबल म, राइट। तो उस प्रकार डबल म और त और क जो है उसे आपको शब्द में लिखना है, राइट। तो क्या करना है, यहाँ पर द्वितीय व्यंजन में त प्लस त दिया गया है, तो त प्लस त मतलब कि डबल त हुआ, राइट। तो उससे जुड़ा हुआ सेंटेंस कौन सा है, कुत्ता और पत्ता, राइट। फिर दूसरा शब्द दिया गया है म प्लस म मतलब कि डबल म, तो उससे जुड़ा हुआ शब्द कौन सा है, मम्मी और पम्मी, राइट। फिर आप
आपको च प्लस च दिया गया हो तो डबल च हुआ, तो उससे जुड़ा हुआ शब्द कौन सा है? सच्चा और बच्चा और कच्चा, राइट। तो ये हुए द्वित्व व्यंजन। फिर उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 जी, उसमें दिया गया पढ़ो समझो और बनाओ। ये आपके टेक्स्ट बुक में बिल्कुल सेम टू सेम यही वाला टॉपिक दिया गया है। उसमें आपको क्या करना है, पढ़ो समझो लिखो में य प्लस अ मतलब कि य, ह प्लस अ मतलब कि ह बनता है, और य और ह से बनता है यह, राइट। ये तो एग्जाम्पल दिया गया है, आपके पेपर में भी ये एग्जाम्पल दिया गया होगा, राइट। तो इसी प्रकार आपको शब्द बनाने हैं, राइट। तो पहला दिया गया च प्लस ई मतलब के ची बनता है, फिर ड प्लस ई मतलब के डी बनता है, य प्लस आ मतलब कि या बनता है। तो अब आपको पूरा का पूरा शब्द यहाँ पर लिख देना है चिड़िया, राइट। यहाँ पर जो खाली जगह है वहाँ पर भी आपको लिख लेना होगा। फिर दिया गया है चू च प्लस अ च प्लस ऊ, च प्लस ऊ मतलब कि कौन सा शब्द बना, चू। फिर प प्लस अ मतलब के प, तो उससे जुड़ा हुआ शब्द बना चुप, राइट। उसके बाद मेन क्वेश्चन नंबर 3 आता है, हमने क्वेश्चन नंबर 2 जी तक देख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल मार्क्स है 14, राइट। उनमें 7 अलग अलग दो 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 मार्क्स के ग्रामर के क्वेश्चन पूछे गए होंगे, राइट। वो आपको अपने ग्रामर स्किल में से पूछे गए होंगे, राइट। आपको अपनी हिंदी की पाठमाला अच्छे से रेफर कर लेनी है। उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए अंग्रेजी अंकों को हिंदी अंक और शब्द में लिखिए। यहाँ पर इंग्लिश के नंबर्स आपको दिए गए हैं 30, 40 और 50, आपको उसको हिंदी की गिनती में लिखना है और उसके बाद उसको शब्द में लिख देना है, राइट। तो इस प्रकार आपको गिनती लिखनी है। तो पहले दिए गए हैं 30, तो 30 को हिंदी में कहते हैं 30, फिर 40 तो उसको कहते हैं 40, 50 को कहते हैं 50। तो आपको बच्चों 50 तक की गिनती आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है, तो मैंने यहाँ पर 50 तक की ही गिनती पूछी है, राइट। तो आपको यहाँ तक लिख लेना है। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3B, उसमें दिया गया है कि योग्य शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। यहाँ पर आपको खाली जगह को भरना है किस प्रकार, तो यहाँ पर पहला दिया गया है, पहले आपको 3 ब्रैकेट दिए गए होंगे क्योंकि खाली जगह के 3 मार्क्स है, राइट। वो गिनती के भी 3 मार्क्स थे, और पढ़ो समझो और शब्द बनाओ उसके 2 मार्क्स थे, राइट। आपको मार्क्स का खास ध्यान रखना है क्योंकि 3 मार्क्स हो तो 3 के 3 आपको सबमिट करने होंगे, राइट। तो पहली खाली जगह है, खाली जगह मोर अच्छा नृत्य करता है, तो कैसा मोर था, मोर का नाम क्या था, यस डांसिंग। तो हमें दूसरे ब्रैकेट में दिए गए हैं डांसिंग, तो आंसर में हमें खाली जगह में लिखना है डांसिंग, राइट। आपको डॉट 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 करके आंसर उस डॉट के अंदर दिया गया है, मतलब कि वो खाली जगह का जवाब है, राइट। तो डांसिंग मोर अच्छा नृत्य करता है। फिर दूसरा दिया गया है रंगीला टीवी, फिर ब्लैंक शुरू हो गया, तो रंगीला टीवी कौन क्या था, एक चैनल थी, तो आपको लिखना है रंगीला टीवी चैनल शुरू हो गया, राइट। हमें तीसरे ब्रैकेट में दिया गया है। फिर दिया गया है तीसरा, वीर ब्लैंक देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन था बच्चों, जवाहरलाल नेहरू, तो हमें खाली जगह में लिखना है जवाहरलाल नेहरू, राइट। अब उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3C, किसका क्या नाम है लिखिए। आपको लिखना है यहाँ पर यह हमारे चैप्टर नंबर 16 खुशहाल वन के बारे में क्वेश्चन आंसर हो गए। आपको सभी प्राणियों के नाम अपने दिमाग में रख लेने हैं, राइट। जैसे कि मैंने पूछा हो कि डांसिंग, तो आपको लिखना है कि डांसिंग कौन था, मोर था, तो डांसिंग मोर खाली जगह में लिखना है मोर। फिर दिया गया होगा महाराज, तो महाराज कौन थे, महाराज शेर सिंह थे, राइट। फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर 3, उसमें दिया गया है खाली जगह फिर बंदर, तो बंदर का नाम क्या था, चतुरलाल, राइट। तो चतुरलाल बंदर। फिर चौथा दिया गया है कुटकुट, फिर खाली जगह, कुटकुट कौन थी,
गिलहरी थी। फिर पांचवा खाली जगह पची कंपनी, तो कंपनी केवी हती? फोकिया। तो पांचमी खाली जगह में लखशो फोकिया कंपनी। छठो आपेलो छे थूलथूल, तो थूलथूल कौन? थूलथूल हाथी। राइट, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। यहाँ पर 6 नाम दिए गए होंगे, 6 के 6 लिखने हैं। दो नाम लिखने के आपको 1 मार्क मिलेगा। राइट, 2 मार्क, 2 क्वेश्चन का आंसर दोगे तब आपको 1 मार्क मिलेगा। एक का आधा मार्क्स यानी कि टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3C। उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3D, किसने किससे कहा, मतलब कि कौन बोले छे, कोने कहे छे, लिखवानू छे। राइट, तो पहलो आपेलू छे मोबाइल से दूरिया घट जाएगी, तो किसने कहा है? तो ये वाक्य चुटकी बंदरिया ने कहा है। राइट, मोबाइल से दूरिया घट जाएगी, वो चुटकी बंदरिया बोल रही थी। और किसे कह रही थी बच्चों? वो कह रही थी सभी प्राणियों से। राइट, तो मोबाइल से दूरिया घट जाएगी, चुटकी बंदरिया सभी प्राणियों से कह रही है। राइट, तो यहाँ पर डॉट डॉट जो दिए गए हैं उसमें आपको आंसर लिखने हैं। आंसर्स भी मैंने आपको वर्कशीट में लिखकर दिए ही है। राइट, फिर दूसरा दिया गया है मैं भी माला बनाऊंगा, तो ये वाक्य कौन बोलता है? मैं भी माला बनाऊंगा, ये वाक्य माली के बेटे ने माली से कहा है। राइट, फिर तीसरा पूछा गया होगा कि दादाजी गाँव में क्या देखेंगे, ये वाक्य आपको याद ही है, वो गांव वाला चैप्टर था ना, तो उसमें क्या आंसर आएगा? ये वाक्य विवेक बोल रहा है और अपने दादाजी से कह रहा है कि दादाजी गांव में क्या देखेंगे। राइट, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, सब्जियों का चित्र बनाओ और उसके बारे में वाक्य लिखो। यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है बच्चों वर्कशीट में, आपको क्या करना है, बॉक्स जो दिखाई दे रहा है उस बॉक्स को आपको अपनी CW में ड्रॉ करना है और उसमें सब्जियों के चित्र ड्रॉ करने हैं। सब्जी मतलब एक आलू ड्रॉ करना है, भिंडी ड्रॉ करनी, करेला, मतलब कि अलग अलग सब्जी आपको ड्रॉ करनी है बॉक्स में और उसके बारे में आपको 4 सेंटेंस लिखने होंगे। राइट, तो 4 सेंटेंस आप, 4 सेंटेंस तो आप लोग बहुत आसानी से लिख पाओगे। राइट, तो पहले आप चित्र को देख रहे हो, आपको पता चल रहा है कि ये चित्र कौन सा है, तो आप पहले वाक्य में लिख सकते हो कि ये चित्र सब्जियों का है। राइट, एग्जाम में आपको कोई भी चित्र यहाँ पर पूछा गया होगा वो आपको ड्रॉ करना है और उसके बारे में 4 वाक्य लिखने हैं। राइट, सपोज यहाँ पर मैंने सब्जी का चित्र पूछा है, मैं आपको एग्जाम में पूछ सकती हूँ कि घर के चित्र के बारे में 4 वाक्य लिखो, तो आपको घर का छोटा सा चित्र बनाना है। फिर मैं आपको पूछ सकती हूँ कि फल का चित्र बनाओ, तो आप फल के बारे में लिख सकते हो 4 वाक्यों में। फिर मैं आपको पूछूं सूरज के बारे में लिखो, तो आपको सूरज छोटा सा बनाकर लिखना है। फिर मैं आपको पूछ सकती हूँ कि पक्षियों का चित्र बनाओ, तो आपको वो एनिमेशन वाला पक्षी ड्रॉ कर देना है। राइट, आपको जितना आए उतना ड्रॉ करके उसके बारे में 4 वाक्य लिख लेने हैं। राइट, तो पहला वाक्य आप ऐसा लिख सकते हो कि यह सब्जियों का चित्र है। फिर दूसरा आप लिख सकते हो कि हरे पत्ते की सब्जी खाने से हमें विटामिन्स मिलते हैं। राइट, ये भी सही है कि हरे पत्ते की सब्जी हम खाते हैं तो हमें उससे विटामिन्स मिलते हैं। फिर तीसरा, सब्जी खाने से हमारे शरीर में पूरी मात्रा में प्रोटीन मिलते हैं, प्रोटीन और विटामिन्स मिलते हैं। इन दोनों से 1-2 वाक्य और बन जाते हैं। फिर चौथा आपको अपने हिसाब से लिख देना है। राइट, तो आलू, गाजर, मूली, प्याज आदि सब्जियां जमीन के अंदर होती है, ये बच्चों आपको पता ही है। ये सब्जियां कहाँ पर होती है? जमीन के अंदर उगती है। राइट, तो सभी बाकी की जो सब्जियां होती है ना वो जमीन के ऊपर उगती है, पर ये जो आलू, प्याज, मूली, गाजर, ये सभी सब्जियां हैं ना, वो जमीन के अंदर होती है। आप जब गाजर या मूली या प्याज लेते हो ना, तब आपको पता चल ही जाता है कि ये सभी सब्जियां कहाँ पर होती है, उसकी जड़ें होती है वो जमीन के अंदर जुड़ी हुई होती है और ये सभी सब्जियां जमीन के अंदर होती है। राइट, तो इस प्रकार आपको सब्जियों के बारे में टोटल 4 सेंटेंस लिखने हैं। उसके बाद दिया गया क्वेश्चन नंबर 4B, सूचन के अनुसार कीजिए, आपको क्या करना है? यहाँ पर पहला दिया गया है काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। यहाँ पर आपको कोई भी एक पंक्ति दी गई होगी, मतलब कि आपके पोएम वाले चैप्टर्स में से ही ढूंढ ढूंढ कर पोएम पूछी गई होगी। दो लाइनें लिखी गई होगी,
दो लाइनें आपको अपने हिसाब से लिखने हैं, राइट, याद करके। कि पहला पूछा है कि काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए, तो मैंने यहाँ पर उसका आंसर लिख दिया है, सदा रहेगा अमर धरा पर मार्ग हमें दिखलाएगा, पथ अपना हम भूल न जाए इसे सजग करवाएगा। तो ये कौन से चैप्टर की ये कौन सी पोयम है? ये पोयम हमारे वीर जवाहर की है, राइट। तो आपको वो पोयम रीड कर लेनी है और हमारी हमारे जो सिलेबस में जितनी पोयम दी गई है उनको भी अच्छे से याद कर लेना है, राइट। फिर हमारा अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट, कि फलों का राजा कौन है और क्यों है। तो हमें पता है कि फलों का राजा आम है, और क्यों है उसमें आपको लिखना है कि क्योंकि आम सबसे मीठा फल होता है, इसको अमृत फल भी कहते हैं, आम सभी को प्रिय होता है और आम में बहुत सारे विटामिन भी होते हैं, राइट। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा वर्कशीट वाला जो पेपर था वो हमने कंप्लीट कर लिया। ये वर्कशीट आपको अपने होमवर्क में लिख लेनी है, राइट, और ये वर्कशीट आपको अपनी CW में कंप्लीट करनी होगी, राइट। तो बच्चों, राइट, पेपर स्ट्राइक के अकॉर्डिंग ये थी ना, यस, तो उसको आपको अपने होमवर्क में करनी है, राइट, और उसको याद भी कर लेना है, क्योंकि उसी प्रकार के क्वेश्चन आंसर आपके पेपर में दिए गए होंगे, राइट। तो बच्चों, आप मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।